जनपद श्रावस्ती में आगामी त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराए जाने के मद्देनजर शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी टी के शिव की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित हुई। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ मौजूद सभी संभ्रांत नागरिकों ने आशा जताई कि पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी जनपद में ईद जल्ला बकर ईद का त्योहार भाईचारे के साथ मनाया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जनपद अपनी अलग पहचान रखता है। उन्होंने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि बकरी ईद के त्योहार में भाईचारे की मिसाल कायम रखें। जिला प्रशासन की ओर से साफ सफाई, विद्युत एवं पानी आदि की माकूल बंदोबस्त कराए जाएंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि जिले के अमन चैन से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जिलाधिकारियों ने सभी लोगों से अपेक्षा की है कि त्योहारों के अवसर पर कोई ऐसा कार्य न करे जिससे किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को आहत पहुंचे। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान कोविड 19 के सुरक्षात्मक प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें और मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाकर घर पर ही त्योहार मनाएं। उन्होंने कहा कि जिले में बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति जुलूस नहीं निकालेगा और प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं की जाएगी तथा सामूहिक कुर्बानी पर भी प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थ, अवैध मदिरा, शराब का सेवन आदि पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा। यदि कोई भी व्यक्ति जो बिना अनुमति के जुलूस निकालेगा या सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा पान करते पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने कहा कि सभी लोग बकरी ईद का त्योहार एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हुए मिलजुल कर मनाए। उन्होंने कहा कि त्योहार के अवसर पर गुड पुलिसिंग की व्यवस्था रहेगी।